बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी अभी कोलकाता में सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च किया है। इस वक्त पूरे अभियान की वो डिटेल बता रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं कोलकाता। सभा में यह कवर करेगा और हमारी सुझावों की पेटियां ये 3 मार्च से 20 मार्च को और 20 मार्च को हम इसको पूरा करने वाले हैं। जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा असोल परिवर्तन, उस असोल परिवर्तन के लिए सोनार बांग्ला का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको हम प्रयासरत रहेंगे। यही नहीं, जब हम असोल परिवर्तन की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे और 4,67,67 लाख पीपल हु आर इंटाइटल्ड टू बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत एंड गेटिंग ए फैसिलिटी ऑफ 5 लाख रुपीज हेल्थ कवर एवरी ईयर, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग देश में 10 करोड़ किसान हैं, 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। यानी पुरानी किस्तें भी, और पुरानी किस्तें अगर साथ जोड़ ले तो 14,000 रुपये की एक एक किसान को पुरानी पेमेंट होगी और आगे चल करके उसको हम जोड़ेंगे। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाएंगे। उसी तरीके से 7th Pay Commission को, यहाँ 7th Pay Commission को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th Pay Commission का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। और उसी तरीके से रेफ्यूजी वेलफेयर के स्कीम्स को हम लॉन्च करेंगे, विशेष करके मतवा समाज और नमो शूद्र हमारे जो समाज है उनके लिए हम हेल्थ के लिए पुश देंगे, एजुकेशन के लिए पुश देंगे, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करेंगे। और इसी तरीके से बंगाल जो हमेशा एक अच्छे विचारों के लिए जाना गया है, दुर्भाग्य से यहाँ नक्सलिज्म भी पनपा, उस नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए हर प्रयास को हम पूरा करेंगे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इलीगल कोल माइनिंग हो रही है इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट पहुंचे, बंगाल का अपना हुनर जिसको हम आज़ादी के पहले से जानते थे, आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। हम उस बंगाल के हुनर को फिर से वापस स्थापित करेंगे और ग्लोबल मार्केट प्रोड्यूस की व्यवस्था करेंगे फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। मित्रों, जहां तक बंगाल के कल्चर का सवाल है, वी आर ऑल इमोशनली इन्वॉल्व। बंगाल का कल्चर एक संस्कृति जिसने देश दुनिया को एक नई ताजी हवा दी। जब मैं विवेकानंद जी की बात करता हूं, जब मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात करता हूं, जब मैं बंकिमचंद चटर्जी की बात करता हूं, जब मैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी की बात करता हूं, ये सब लोग ऐसे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं, ये सब ऐसे थे जिन्होंने बंगाल की धरती से जरूर जन्म लिया हो लेकिन उन्होंने देश को दिशा दी, संस्कृति को दिशा दी, दुनिया को दिशा दी, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए उस कल्चर को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं आज जब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो
तो मैं राजनीतिक बातें करके वातावरण दूषित नहीं करूंगा, लेकिन अगले भाषणों में मैं बताऊंगा, जब मैं परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर जाऊंगा तो मैं वहां चर्चा करूंगा कि ये संस्कृति थी बंगाल की और संस्कृति को कहां ला करके खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। मित्रों, इसको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है। द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू कम बैक, दैट सोमार बंगाल हैज टू कम बैक, दैट बंगाल विच लेट द कंट्री, दैट हैज टू कम बैक, और उसके लिए हम प्रयासरत होंगे, ये हम आपको जरूर कहना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, आज ये धरती यहाँ की जो 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 इसकी इसकी उर्वरता है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जितनी धरती हमारी एलुवियल है उतना ही इसकी यील्ड होनी चाहिए, वो यील्ड नहीं हो रही। जितना इसका इरिगेटेड लैंड होना चाहिए वो नहीं है, और जो किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मित्रों, क्रॉप का सही दाम मिल सके किसानों को, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको प्रयास करें। जब मैं आपसे सुझाव मांगता हूं तो मैं किन बातों के लिए सुझाव मांगता हूं? आपसे मैं सुझाव मांगता हूं कि यहां पर आर्थिक जगत में पुश कैसे दिया जा सके। अगर ब्रिटिशर्स ने आकर के बंगाल को देखा कि दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, यहां पर इंडस्ट्री का विकास की संभावनाएं हैं, उसके बाद जिस तरीके से इंडस्ट्री फ्लश की, जब आजादी मिली तो बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से किस तरीके से आज बढ़ा था, और आज धीरे धीरे पिछले 60-70 सालों में एक एक इंडस्ट्रीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से हटा ली, ये सूखा पड़ गया। हमको विचार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पश्चिम अगर विकसित हुआ है तो पूर्व को भी पूरा विकास करना है और मुख्य धारा में शामिल करना है, इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हम कैसे इंडस्ट्रियल पुश दे सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चरल पुश दे सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक पुश दे सकते हैं, और कैसे हम स्वास्थ्य के दृष्टि से, मुझे दुख होता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहां डेंगू फैला, हमको डेंगू की रिपोर्टिंग ही नहीं दे रही थी सरकार, यहां लोग डेंगू से जाने गंवा रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री के दृष्टि से ममता जी से पूछता था, गिव मी दी रिपोर्टिंग ऑफ डेंगू, वो डॉक्टरों को धमकी देती थी कि यहां से कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी, और हमारे को रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आप बताओ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हमारे पास, आप बताओ कि हर तरीके से डिजीज को कंट्रोल करने की व्यवस्था हमारे पास। मैं टीम भेजना चाहती हूं, मैंने टीम भेजी थी, अभी कोरोना में भी टीम भेजी थी, आपने उनको गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। ये बंगाल की जनता के साथ अन्याय, ये हेल्थ को पुश देने की जरूरत है। आप बताइए, कोरोना में यहां पर टीम आई थी कि नहीं आई, सेंट्रल टीम आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए, डेंगू के लिए यहां टीम हमने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? आपने उनको एक तरीके से कैद कर दिया रेस्ट हाउस में और सर्किट हाउस में, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्किट हाउस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनके गेस्ट हाउसेस में, और कहा आप आराम करो और जाओ वापस, हम आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आपसे हेल्थ के दृष्टि से सुझाव चाहता हूं, आयुष्मान भारत तो हम लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन बंगाल, अगर बंगाल हेल्थ में पिछड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए बंगाल को हेल्थ के दृष्टि से भी पुश देने की जरूरत है। और मैं देखता हूं, देखिए, मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ लोग नैना देवी घूमने आते हैं, मेरे यहाँ लोग ज्वाला जी घूमने आते हैं, मेरे यहाँ लोग चामुंडा देवी घूमने आते हैं, ये सब शक्तिपीठ है, छोटा सा प्रदेश, रिलीजियस टूरिज्म, और बंगाल जहां हर शहर हर गांव किसी न किसी टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, तब भी यहां टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। हमको इस पर सुझाव चाहिए, हम कैसे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। बंगाल में जिस तरीके का सांस्कृतिक और जिस तरीके का हमको यहां पर पूजा पद्धति की दृष्टि से जो दृष्टि मिली है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। काली पूजा, दुर्गा पूजा देश भर में जानी जाती है, वो बंगाल के नाम से जानी जाती है,
उसकी आइडेंटिफिकेशन बंगाल के साथ होती है, और बंगाल उससे वंचित रह जाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सुझाव भी आए और बंगाल रिलीजियस टूरिज्म में भी आगे बढ़े, इसी तरीके से हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए चाय के बागान, आप बताइए दुनिया में चाय के बागानों के दृष्टि से हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा है कि नहीं देखा है, और हमारा नाम है कि नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपीज फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है। हमको सुझाव चाहिए, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है, उनका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो सकता है, उनको नौकरियों में समावेश कैसे किया जा सकता है, उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती है। 1,000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में, 1,000 करोड़ रुपए। सुझाव चाहिए कि वह धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए, यह भी हमको चिंता करने की जरूरत है। कैसे टोलाबाजी से बचे, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए। और रास्ता आप ही बताएंगे, क्योंकि कट मनी आपको ही देना पड़ता है, उसको कट आप ही करेंगे, इस बात का भी हमको सुझाव चाहिए होगा। यह मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की योजनाओं की, आप देखिए अगर स्वच्छ भारत अभियान हमने लागू किया तो लोग हंसे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मित्रों, 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन लास्ट सिक्स इयर्स। 11 करोड़ 11 करोड़ टॉयलेट्स बने और वेस्ट बंगाल में 1.4 करोड़ बने हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टॉयलेट्स? नंबर वन, इट इज द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आप सोचिए हमारी बहनों को गांव में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी। आप बताइए 1,40,00,000 टॉयलेट्स वेस्ट बंगाल में बने, 11 करोड़ देश में बने, और 11 करोड़ में अगर 1,40,00,000 बंगाल का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा था। 1,40,00,000 घरों में टॉयलेट बना है तो 1,40,00,000 घरों की महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए, सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण। दूसरी बात, बीमारी, डायरिया कम हो रहा है, हैजा कम हो रहा है, क्योंकि खुले में शौच जाने के कारण वही पानी हमको मिलता था और वही पानी पीते थे और हैजा और डायरिया होता था। आज हम हेल्थ इश्यूज को भी हम एड्रेस कर पाए। उसी तरीके से जनधन योजना, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अकाउंट खोलो, जनधन खाता खोलो, तो क्या कहा? जनधन खाता खुलवा रहे हैं। आज 40 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है और बंगाल में 1,92,00,000 लोगों ने जनधन खाता खोला है। और कोरोना के दौरान महिलाओं को 500-500 रुपए 3 महीने के लिए लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट डिस्बर्समेंट करके डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया। 20 करोड़ वुमेन हैव बीन एम्पावर्ड, इस बात को हमको समझना चाहिए, ये छोटी घटना नहीं है। और बंगाल में 1,52,00,000 यानी रीचिंग 2 करोड़, 40 करोड़ में 2 करोड़ बंगाल के लोग हैं। उसी तरीके से हमारे लगभग 68,00,000 लोगों को गैस का चूल्हा मिला। अब ये गैस का चूल्हा कुल मिलाकर के 8 करोड़ बांटा गया और 8 करोड़ में 78,00,000 बंगाल के लोग हैं। आप देखिए कितना बड़ा बंगाल का हिस्सा है। और ये चूल्हा जलाना, मैं इसको सिर्फ चूल्हा जलाना नहीं मानता, मैं महिलाओं का सशक्तिकरण मानता हूं, क्योंकि जब वो लकड़ी जला करके चूल्हा जलाती थी तो 200 सिगरेट का धुआं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने फेफड़ों में लेती थी, पल्मोनरी डिजीज होती थी। आज वो गैस का चूल्हा उनको मिला है, 78,00,000 परिवारों को मिला है। 5 मिनट में वो हर एक तरीके का भोजन प्रिपेयर कर सकती हैं और वो धुआं से मुक्त हो गई हैं। हेल्थ इश्यू हैज बीन एड्रेस्ड एंड इट इज एन वुमेन एम्पावरमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड।
आप बताइए, यहां लगभग 2,60,00,000 ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी, और बंगाल के अंदर लगभग 7,32,000 ऐसे परिवार थे जिनको बिजली नहीं थी। सौभाग्य योजना में मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री। यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद ममता बनर्जी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताएंगे आपको।